हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, कर्नाटक का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि रीजनिंग का मॉक टेस्ट, बिल्कुल हमारा डेली एक कंटिन्यू मॉक टेस्ट आ रहा है। एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, तो बिल्कुल आपकी परफेक्ट तैयारी हो रही है एसएससी जीडी की। और यही पैटर्न, पूरा 100% पैटर्न, जो भी आज तक आए हैं ना क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। या तो वो पुराने क्वेश्चंस हैं या फिर वो एग्जाम में आने वाले, बहुत ज्यादा चांस है उन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं एक बार, तो आप टिक लगा लीजिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कितने आपके सही होते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा सारे। ठीक है, मैं इसलिए स्लो मोशन में दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा 20 क्वेश्चन, आगे के 5 और देख लीजिए। ये देखिए 21, 22, सभी ऐसे क्वेश्चन है जिस पैटर्न पे एसएससी का पेपर आता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी तरह की चित्राकृति। और बिल्कुल ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन आपको दिख गए हैं। मैट्रिक्स बिल्कुल आता है एसएससी का, कोई भी लेवल हो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज बीते कल से पहला दिन जनवरी। तो दोस्तों देखिए, आज का मतलब है बीते कल से पहला दिन, तो आज कोई दिन है, बीता कल ये हो गया और उससे भी पहला दिन है। तो बीता कल और उससे पहला दिन, मतलब इससे 2 दिन पीछे की बात है कि नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप जनवरी से बात करेंगे तो बीते जनवरी से पिछले 2 महीने, एक गए तो दिसंबर और उससे पिछला गए तो नवंबर, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नवंबर। इस तरह से देखना है। चलिए, और भी कुछ लॉजिक लग रहा हो तो आप उससे देख सकते हो, पर कुछ और लगेगा ही नहीं। ठीक है, एडी और एनक्यू, एडी और एनक्यू में क्या रिलेशन है, तो मैं ए का एन से कोशिश करता हूं देखने की। ये 1 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, डी 4 नंबर पर और ये 17 नंबर पर। तो आप देख रहे हो +13 हो रहा है, ये भी +13 हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 और 8 में कहां से लिख रहा हूं, क्योंकि ये ए से जेड तक की जब आप एबीसीडी लिखते हैं ना, तो वही नंबर है ये। तो मैं इसमें भी आप +13 लिखूंगा। ठीक है, इसमें भी आप +13 करोगे, तो 13 5 18 आर, और 13 और 8 क्या होगा, 21। 21 पे क्या पड़ेगा, यू। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसमें आर और यू, बिल्कुल घर में बैठ के बना रहा हूं दोस्तों, आवाज आ रही होगी बच्चों की, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है। एक बेटी है मेरी, वो बड़ी शैतान है, तो कभी कभी आवाज कर लेती है ज्यादा। देखिए, ये क्वेश्चन है 3रा क्वेश्चन, डी एच आई जे एम क्यू पी क्यू, बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन। आप फिर से देख लीजिएगा, ये 2 पर है, ये 10 पर है, ये 5 पर है, ये 13 पर है, तो बिल्कुल ऐसा ही 8 8 का फर्क आ रहा है। तो आप ऐसे ही देखेंगे, ये 11 और 11 8 19 होता है, तो एस से शुरुआत हो जाएगी, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और सबकी तो आर से शुरुआत है, तो आप ऐसे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4था, 49 से 216, तो 36 से कैसे आएगा। तो आप कह सकते हो ये 7 का स्क्वेयर है और ये 6 का क्यूब है, मतलब ये 7 का स्क्वेयर और ये इससे पिछला नंबर उसका क्यूब, तो ये 6 का स्क्वेयर और इससे पिछला नंबर 5 का क्यूब, तो 125 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 2 4 16 4, तो देखिए कैसा रिलेशन है इन दोनों चीजों में। तो आप देख रहे हैं 2 का स्क्वेयर है, ये 4 का स्क्वेयर है, ये 2 का स्क्वेयर है। ठीक है, तो आप इन सब का यही सब चीजें कर दो, 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर, तो सबका एक एक ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य 3 से भिन्न छाटो, तो वकील, बढ़ई, चिकित्सक, अभियंता। अभियंता देखिए दोस्तों, ऐसे लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये वर्ड लिखा है, अगर आप ऐसा वर्ड कोई आपको लगे ना एकदम नया सा, देखिए मैंने तो यहां बताया आपको, ठीक है, लेकिन एकदम नया सा पेपर में भी लग सकता है, तो आपको क्या काम करना है, उस वर्ड को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर होता है आपका, तो डी ऑप्शन में देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या है। तो आपको साफ साफ लिखा दिखेगा कि इंजीनियर है ये। ठीक है, और इंजीनियर तो आप कहोगे कि ये तो हम जानते हैं, तो देखिए इंजीनियर, चिकित्सक हो, वकील हो, सब डिग्री से बनते हैं, तो बढ़ई, बढ़ई तो कोई डिग्री होती ही नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है PCAQ, LKIN XGEZ, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसमें क्या अलग दिख जाएगा। तो आप देखो पास पास का रिलेशन देखा करो, तो जैसे A और C पास है तो B छोड़ दिया बिल्कुल, और PQ पास, ये लगातार है, कोई भी नहीं छोड़ा है, तो ऐसा ही क्या रिलेशन है सब में, तो IJK बिल्कुल ऐसा ही है,
और यहाँ पे तो एलएमएन एक यहाँ भी छोड़ा है, लेकिन यहाँ तो लगातार था, तो अब या तो इसके जैसे हैं और या इसके जैसे, मैं देख लेता हूँ किसके जैसे हैं। तो आप देखोगे आगे ईएफ जी एफ छोड़ा, एक्स वाई जेड ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए, ये अलग है अब तक। तो आप देखिए सेम यहाँ भी यही चीज हो रही है। तो आप देखोगे कि इसमें यू वी डब्ल्यू वी छोड़ दिया, डी ई एफ यहां भी सेम चीज हो रही है, तो यही अलग हो गया क्योंकि इसने पी क्यू लगातार दे दिया था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखो 13 31, तो जस्ट आप देखोगे इनके नंबर अक्षर बदले हुए हैं बस, 3 1 1 3 का 3 1, 4 5 का 5 4, 16 का 61, तो 71 का 17 होना चाहिए था, तो ये उत्तर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, ये एक सीरीज है, आप बताएं आगे क्या आएगा। 216 का वर्गमूल अंडर रूट 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 4 का वर्गमूल ले दूं तो क्या आ जाएगा, 2। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी एफ एल ई आई के जी एल जे आई ओ आई आगे क्या आएगा। तो जब भी ऐसी चीज देखो तो पहले का रिलेशन आप पहले से देखा करो, इन सीरीज में बहुत आसान हो जाएगा अगर आप पहले का पहले से रिलेशन देखते हैं। सी डी ई एफ जी एच आई एक एक छोड़ रहा है, जे के आ जाएगा यहां, फिर आप ऐसे ही इनका देखिए एफ जी एच दो दो छोड़ रहा है, ठीक है, आई से जे के दो छोड़ दिए, एल से एम एन दो छोड़ दिए, ओ आ गया, ओ से पी क्यू छोड़ दूंगा आर आ जाएगा, तो के आर तो दो में आ रहा है, फिर मुझे तीसरा भी निकालना ही पड़ेगा। एल से अगर के का देखूं, एल से पिछला होता है के से पिछला जे, जे से पिछला आई, आई से पहले क्या आता है एच, तो के आर एच आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको मैंने करना सिखा रखा है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनके अक्षर गिन लेते हैं, इनके नंबर गिन लेते हैं कितने हैं। तो दोस्तों 12 में चांस रहते हैं बहुत ज्यादा कि ये चार चार की सीरीज बने, तो पहले चार चार की या तीन तीन की या छह छह की, तो छह छह का तो बहुत कम चांस है, तो चार चार या तीन तीन, तो पहले चार के होते हैं सबसे ज्यादा चांस, मैं चार पे ही चेक करता हूं, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि कुछ रिपीटेशन बन रहा है क्या, डबल ए आ रहा है यहां शुरू में, यहां भी डबल ए आ रहा है, तो यहां भी क्यों ना डबल ए कर दिया जाए। डबल ए के बाद ना यहां पता क्या आ रहा है ना यहां पता क्या आ रहा है, तो यहां से पता है डबल ए के बाद क्या आ रहा है, बीसी, तो आप भी डबल ए के बाद बीसी कर दो, यहां भी डबल ए के बाद बीसी कर दो, तो अब जो मैंने लाल पेन से लिखे खाली स्थान में ये आपका उत्तर है, ए बी बी सी, ए बी बी सी बी ऑप्शन। आपको क्लियर हो गया ना कैसे करते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट है 12वां, शब्दकोश क्रम। अगर अब तक किसी को नहीं आता है, कहीं कोचिंग से नहीं सीख पाए हो, कहीं से भी नहीं सीखा है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल एकदम मजे में सीखोगे आप। तो देखिए मैं आपसे बोलता हूं पी 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 आ रहा है सब में, अगर किसी में भी आपका एन होता, एन से शुरू होता, तो मैं कहता एन वाला सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि आप जब डिक्शनरी डिक्शनरी कहते हैं शब्दकोश के लिए, जब डिक्शनरी में देखते हो तो सबसे पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, और लास्ट में जेड वाले, ऐसे ही होते हैं ना। तो अगर मान लो ये पी वाले, तो पी वाले नंबर पे आएंगे, लेकिन अगर कोई एन वाला होता तो एन वाला तो पी से भी पहले आ जाता, लेकिन अब क्या हुआ कि सभी पी वाले हैं, तो अगर सब पी वाले हैं फिर उस स्थिति में क्या करें, अगर पहले अक्षर से कुछ नहीं पता चलता फिर उसका दूसरा अक्षर देखते हैं, तो दूसरा अक्षर किसका एबीसीडी में पहले आएगा, दूसरा भी सबका एक सा मिला, फिर दूसरा भी एक सा मिले तो फिर आप तीसरे पे जाओ, तीसरा भी अगर एक सा मिले तो आप चौथे पे जाओ, तो चौथा कहीं तो अलग होगा, आप क्यों कोई बिल्कुल ही एक सा हुआ सारा लास्ट तक, तो फिर तो वो अक्षर बिल्कुल से एक से ही हो जाएंगे सारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कहीं तो उसे अलग होना पड़ेगा। तो एम ये है, ये एल है, ये एम है, ये एल है, ये एम है, तो बताओ एल पहले आएगा या एम पहले आएगा, तो आपको पता है एल वाले पहले आएंगे और एम वाले बाद में आएंगे, तो बिल्कुल एल वाले भी दो हैं। अब इन दोनों में टक्कर है कि एल वाले ये दोनों हैं, इनमें कौन सा पहले आएगा, तो ये पी आर ई एल तक तो एक से है, अब इसका अगला अक्षर देख लो, यू आ रहा है इसमें, आई आ रहा है, तो आप खुद बताओ कौन सा पहले आएगा, आई वाला आएगा, तो मतलब नंबर 4 पहले, फिर उसके बाद नंबर 2 आएगा, क्योंकि ये भी एल वाला था। अब इन दोनों एल वाले के बाद अब एम वालों की बारी है, तो एम वालों में आप खुद बताओ इन एम वालों में कौन पहले आएगा, तो आप बताओ एम के बाद इसमें ओ आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, एम के बाद इसमें आई आ रहा है, एम के बाद ये तो एल वाला है, तो आई आई ओ, तो ओ वाला तो लास्ट में गया, लेकिन आई वाले इनमें टक्कर चल रही है, आई के बाद क्या आ रहा है आप खुद बताओ, इसमें सी है, इसमें यू है, तो सी वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, इसमें यू है, एम आई के बाद,
तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो ओ आ गया था, वो तो वहीं पीछे हो गया सबसे आई वालों से, तो ये नंबर एक पर आ जाएगा। तो 4 2 3 5 1, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, फिर से बैक करो, फिर से सुन लो मेरी बातों को, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा ध्यान, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान चला गया, अरे रात तो रोटी नहीं खाई दिखे, तो फिर इतने में स्किप हो जाएगी बात, जो सार है बात का, है ना, तो वो निकल जाता है, फिर कोई बात का फायदा नहीं है बताने का, है ना, फिर आप कितना ही रटते रहो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सार्थक आरोही क्रम लगाओ, एक ऐसा कभी कभी क्रम आ जाता है लगाने को, कभी कभी क्या आता ही है, तो आप देखो इसमें कौन सा क्रम, एक तो ये शब्दकोश क्रम है और एक ये हिंदी के अक्षरों का क्रम ऐसे लगाने को आता है, तो जरा देखिएगा, तो इनमें कौन सा पहले आएगा। तो मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले जड़ होती है पौधे, आरोही क्रम में लगाना है मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले नीचे की चीज जड़, तो जड़ नंबर 3। जड़ के बाद पौधे का आता है तना, जो उसकी पिंड होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें तख्ता निकलते हैं अगर पेड़ सूख जाए, टूट जाए, कट जाए तो, ठीक है, तो वो 3 के बाद एक, वो तना हो गया। तना के बाद क्या आता है, तने के बाद उसकी पत्तियां आती हैं, ठीक है, डाल बोलते हैं तने को, और पत्तियां, पत्तियां तो आप सब लोग जानते ही हैं, पत्तियों पे फूल आता है, फूल पे फल आता है, ठीक है, फल है 5 नंबर, तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, बिल्कुल करेक्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, लाफ्टर शब्द के लिए अक्षरों से कौन सा नहीं बन सकता, तो आप खुद ही बता दोगे, GAT साफ 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 दिख रहा, GAT बिल्कुल, RAT आर एरा, एरा टी एरा ई एरा, हेट HATE बिल्कुल है, GRUNT GRU है, लेकिन N कहाँ से लाओगे, ढूंढ के ऊपर तो है ही नहीं, दूर दूर तक भी, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए सही क्रम होगा, अब देखिए अलग क्वेश्चन आया है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण ऐसा बनाना है, इस क्रम में आपको इसी को रख लीजिएगा, पहला क्रम रखता हूं मैं, तो ऐसा शब्द होना चाहिए जो सुना हुआ हो, या आप सोच लीजिएगा इधर उधर अक्षरों को करके, क्या कुछ बना पा रहे हो आप, अगर नहीं आपको सोच में आ रहा है तो आप ऑप्शन से तो बना ही दोगे, कैसे, जरा देखो, 5 5 के बाद 2 रखा, आर रखा, आर के बाद 1 रखा, ए रखा, 4, फिर एच, फिर 3 नंबर, फिर के, 3 है के का, तो आपने देखा सिरा है, ये तो कुछ ऐसा सुना ही नहीं अंग्रेजी में आज तक, इतने दिन तो हमें हो गए पढ़ते पढ़ते, चलो 5 नंबर पे एस, फिर के, फिर ए, फिर 2 आर, फिर हमने 4 नंबर वाला एच, एस इसकार है, ये भी नहीं सुना भाई, अंग्रेजी या तो हमारी कमजोर है, हमने सुना ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। अगले पे देखते हैं, 5 4 5 पे एस आ गया, फिर 4 पे एच आ गया, फिर ए पे ए आ गया, 2 पे आर आ गया, और 3 पे के आ गया, शार्क, शार्क मछली, खूब सुनी है आपने, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी जो आपने सुना हो ऐसा वर्ड आपको निकालना है, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, तो 16वें में आप देखिए आपको नंबर दिए हैं, आप इनमें लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक हो सकता है, तो जरा देखिए, 12 3 8 से हम कभी भी बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ये बड़ा है ना, तो इस तरफ को आएंगे करते करते, अब आपको दिख रहा है भाग भाग या जोड़ने से तो आना नहीं इतना बड़ा नंबर, तो सीधी सी बात है एक बार गुणा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए, अगर गुणा से नहीं आया फिर मैं वर्ग वगैरह पे सोचूंगा, ठीक है, लेकिन ये मैं गुणा से चेक करूंगा, 12 3 36 और 36 में 8 की गुणा करोगे तो 288 आएगा, बिल्कुल सही है, तो एक गुणा ही है, 13 5 65 में 8 की गुणा बिल्कुल 0 आ जाए, 520, ठीक है, और ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, 16 6 96, 96 में कितने की गुणा कर दूं, कि 4 की, देखिए 96 96 में 4 की करोगे तभी इकाई का अंक 4 आएगा ना, आप पूरी करने की जरूरत नहीं है, 5 की करोगे 0 आएगा, 3 की करोगे 3 6 8 आएगा, 6 की करोगे 6 6 36 छह आएगा, 384 तो सिर्फ 4 से ही आ सकता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात जो समझाना चाह रहा हूं। 7 8 3 का 873 कैसे लिखा है, 8 7 3, तो पहले बीच का लिखता है, तो उसी लॉजिक से क्या यहां भी है, 9 5 4 बिल्कुल सही है, तो 7 2 5 लिख दो आप, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, देखिए एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन जरूर होता है एसएससी में, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या करते हैं, सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, क्लर्क देखिए क्लर्क टाइपिस्ट, बिल्कुल दोस्तों बहुत उम्मीद से ये पेपर मैं आपको करवा रहा हूं,
बहुत उम्मीद से करवा रहा हूं। और जैसे ही 11 तारीख का, 11 फरवरी का पेपर होगा, हम बिल्कुल उस पर टूट के पढ़ेंगे। सारे बच्चे तैयार करके रख रखे हैं कि भाई आप हिंदी के क्वेश्चन ध्यान करके आना कैसे कैसे आ रहे हैं, रीजनिंग के आप ध्यान करके आना कैसे कैसे आ रहे हैं, तो ताकि मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे सकूं, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि इस बार नई कंपनी करा रही है, कुछ भी चेंज होगा तो मैं आपको बहुत एकदम से बताऊंगा, ठीक है? और आप उसी बेस पे तैयारी करना, और उसी बेस पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा फिर आपको, ठीक है? कितनी तगड़ी बात कह रहा हूं आप समझ नहीं सकते। तो आपको इस बात पे पांच पांच शेयर करने होंगे मेरे लिए, ठीक है? तभी तो मैं कहूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, नहीं तो भाई ऐसे तो सुन सुना के तो कोई बैठ जाएगा टाइपिस्टर क्लर्क को तो, ठीक है? तो इतना तो कर ही दिया करो, बाकी सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा, वो मत करो चाहे, पर शेयर कर दो, क्योंकि बहुत लोगों को फायदा करवाना। चलिए, बहुत कम बोलूं मैं अपनी वीडियो में, ऐसी बात नहीं, तुम देखो ना 5 मिनट की वीडियो 3 बार कह जाएगा कोई भी हो, वीडियो जो बनाता है ना, मैं नहीं कहता। चलो कोई नहीं, छोड़ो, अब तुम्हें ये बात कहां समझ में आएंगी। कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है दोस्तों। एक बात देखो, सभी क्लर्क, क्लर्क को तो सभी को अंदर करना है, अगर सभी बोल दिया टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट है ये दोस्तों, मैंने टाइपिंग लिख दिया है, टाइपिस्ट कर दो इसको, ठीक है? कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है तो दोस्तों यहां पर अब तक तो कोई पॉसिबिलिटी इस चित्र से अलग थी नहीं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है तो मैं कोशिश तो ये करूंगा कि मैं इसको क्लर्क से बचा दूं, ठीक है? और बच भी रहा है, ठीक है? लेकिन एक दिमाग में बात जरूर रहनी चाहिए कि ये चित्र ऐसे भी बन सकता है क्लर्क टाइपिस्ट, यहां तक तो कोई संदेह नहीं है, ऐसा ही बनेगा। लेकिन स्टेनो का, क्योंकि क्लर्क के लिए मना नहीं करी है, तो ऐसा भी जा सकता है, लेकिन ये बचाने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन इसको मना नहीं कर सकते कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? और हम कभी भी निष्कर्ष, मेरी बात गौर से सुनना, हम कभी भी निष्कर्ष उसको सही मानते हैं जो 100% सही हो, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, पहला निष्कर्ष, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं? बताओ, कुछ स्टेनो कोई क्लर्क हैं? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि इस चित्र से नहीं है। कोई कहेगा इससे तो है, तो मैं कहूंगा भाई कुछ है भी है नहीं, एक से है एक से नहीं है। मैंने बताया तो जो भी 100% सही है, कितने भी चित्र बना लो, सब में अगर वो सही है तो ही उसको सही मानूंगा मैं, नहीं तो गलत ही मानूंगा फिलहाल, ठीक है? कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, ये इसने फंसा दिया, कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, इसमें है इसमें नहीं, तो इस हिसाब से तो ये सही बैठ रहा, दूसरा इस हिसाब से गलत, जबकि जो पहला वाला था वो इस हिसाब से सही इससे गलत, तो एक से ये सही हो रहा एक से वो सही हो रहा। दोस्तों जब भी ऐसी बात हो ना कि एक ही चीज को स्टेनो क्लर्क है स्टेनो क्लर्क नहीं है, तो दोनों बात एक ही आदमी के लिए कही गई हो, दोनों बात तो इन दोनों की चल रही है, स्टेनो क्लर्क की, एक बार तो कह दे वो है, एक बार उसको मना कर दे, तो कोई सी बात तो सही होनी है। जैसे मैं कहने लगू आज बारिश होगी और फिर कह दू आज बारिश नहीं होगी, एक बात तो सही होनी होनी है, तो या तो फर्स्ट बात सही है मेरी बारिश की, या दूसरी बात सही निकलेगी, एक तो सही निकलनी निकलनी है। जो भगत जी पे जाओ ना तुम भूत दिखाने, वो ऐसे ही तो कह दे भाई इस पर वो हो सके, या ऐसा भी हो सके नहीं हो, औरत तो इतने में ही भगा बहकावे माजा, भगत जी ने बताई उसकी बहू आ रही है इस पे, ठीक है? तो वो तो देखो मैं तो एक मजाक की बात है। चलिए, तो फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, इनमें दोनों में या लगेगा। अगर थर्ड को और चेक कर लें, सभी टाइपिस्ट क्लर्क है ना, क्लर्क तो है सारे टाइपिस्ट, लेकिन सारे टाइपिस्ट कहां क्लर्क है, बहुत बाहर भगे डोल ले ये रे। सभी क्लर्क स्टेनो है, अरे सारे क्लर्क स्टेनो कहां, थोड़े से भी नहीं है, तो ये तो एकदम ही गलत है, और इन दोनों में या लग गया। अगर दोस्तों ये अकेला ही आता तो मैं कहता ये भी गलत है, ये भी अकेला ही आता ये ना होता इसके साथ तो ये भी गलत होता, अगर ये दोनों एक साथ आए तो या लग जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, या तो ये तो इनको पूरक बोलते हैं, तो या लग जाता है इनमें। समझ में आ गई या कहां लगता है? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं। चलिए, 19वां क्वेश्चन क्या है, मैं 15 किलोमीटर उत्तर गया, चार्ट आपको पता होता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है? जरा चार्ट पे देखते हैं, मैं उत्तर में गया, चला गया जी, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा,
ठीक है, मुड़ गया 10 गया, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ गया, मुड़े जाओ कोई दिक्कत नहीं, 5 गया, और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 चला, पूरब तो इधर ही पड़ेगा, 10 पे यहीं आ जाएगा बिल्कुल ऊपर के बराबर। नीचे को अभी ये कितना बच गया, पहली बात तो न्यू पता हमें, ये 15 थी 5, ये 10 बच गया, लेकिन कुछ और ही पूछ रहा, मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूं, आरंभिक स्थान से ये यहां खड़ा तो ये किस दिशा की ओर है, ऊपर की ओर है, और ऊपर कौन सी दिशा हो, उत्तर की ओर, तो आरंभिक, मैं आरंभिक स्थान से उत्तर की ओर ऊपर रह गया ना आरंभिक स्थान से। चलिए 20वां क्वेश्चन, ए और बी बच्चे हैं सी के, चलो दोनों बालक हैं ए व बी, सी के बच्चे हैं, चलो सी के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं सी के, तो सी इनकी क्या है, या तो माँ है बाप है, सी तो सी इनकी माता है, चलो माता कह दी हमने, भाई बी की माता दोनों बच्चे तो दोनों इनकी माता होगी, सीधी सी बात कह रहा है ना अगली लाइन में, सी माता, हम तो पिता भी मान सके पर उसने स्पष्ट ही कह दी, ठीक है बी की माता तो एक ही भी है, सही बात है, किंतु ए पुत्री नहीं है, चलो बी की तो माता, बी का तो पता नहीं पुत्र है या पुत्री है, लेकिन ए पुत्री नहीं है, बच्ची बच्चा तो इसी का ही है, पुत्री नहीं है तो ये पुत्र है, बहुत स्पष्ट रूप से हो गया। अब सी और ए का संबंध बताओ, तो सी तो माता और ये पुत्र है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, माता पुत्र आप क्या हो गया आसान से, अरे सारे ही आसान हो रिश्ता में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन, 6 स्टार 15 स्टार 10 स्टार 3 स्टार 12, जरा रख के देखिएगा कि कौन सा बिल्कुल सही बैठता है, पहला ऑप्शन अगर मैं रखूं 6 भाग 15 15, फिर मैं प्लस रखूंगा अगली स्टार की जगह 10, फिर मैं बराबर रखूंगा 3, फिर आगे गुणा 12, अगर इधर से 36 और बराबर के इधर, देखिए बराबर के इधर 36 36 ही तो है, अगर इधर से भी 36 आ गया तो मैं मानूंगा बिल्कुल सही उत्तर है, समझ में आ गया कैसे सही करना है, बराबर के इधर भी उतना ही हो और इधर भी उतना ही हो, ये तो 36 आ ही नहीं सकता। अब अगला ऑप्शन देखो, ये भाग ही नहीं जा रहा, अब मैं अगले ऑप्शन को लू 6 प्लस 15 भाग 10 गुणा 3 और बराबर 12 रख दिया, अब ये 12 है ही, इधर से भी 12 लाना है, अगर आ गया तो ये उत्तर सही हो जाएगा, तो जरा मैं देखता हूं 6 प्लस, पहले भाग होता है 15 में भाग दे दिया 10 का, अब गुणा कर दी 3 की, ठीक है 5 दुनी 10 5 तिया 15, चलिए तो सॉरी 5 तिया 15 5 दुनी 10, ठीक है ये तो अब तो दोस्तों आएगा ही 9/2, 9/2 में 6 जुड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, ये भी गलत ये भी गलत। अब जरा सी ऑप्शन ले लो, 6 गुणा 15 भाग 10, फिर आगे प्लस आ रहा है प्लस 3 और बराबर में 12, यही निशान रखे हैं बस मैंने उनकी जगह, तो पहले मैं क्या कर दूं, भाग करूंगा पहले तो 6 गुणा 15 बटे 10, ठीक है और प्लस 3, इधर से 12 लाना है, 12 बराबर 12 हो जाएगा, फिर तो मैं देखूं 5 तिया 15 5 दूनी 10, भाग तो हो गया 2 तिया 6, तो 9 3 तिया 9 प्लस 3 12 बराबर 12, क्योंकि ये तो 12 था ही, तो ऐसा आ गया किस ऑप्शन से, सी से, नहीं आता तो डी से तो आना ही पड़ता इसको। चलिए 22वां क्वेश्चन मैट्रिक्स पे आधारित है, जरा देख लीजिए कैसा क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का, दोस्तों मैट्रिक्स में मैं आपको बता दूं पहले ही देखना, अगर मुझे ए का नंबर देखना है ना तो पहले मैं इधर से देखूंगा फिर ऊपर से देखूंगा, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 1 और 2, तो ए 12 पे, आप ऐसे ही बताओ टी कितने पे, पहले इधर से 2 पे और टी के ऊपर क्या 3, तो 2 3 23 पे, अगर मैं इस बी का देखूं तो ये 6 पे, ऊपर 6 पे 66 पे, तो ऐसे मुझे मील का चेक करना, तो मील में एम ये रहा, ई ये रहा, ए ये रहा, एल ये रहा, अगर मील में ये सारे सही हैं तो मैं कहूंगा ये उत्तर बिल्कुल सही है, तो जरा चेक करो एम पर, एम 13 पे है या नहीं है, तो 1 और 3 तेरे पे एम बिल्कुल करेक्ट है ये वाला, तो ऐसे चारों के चेक करने, कोई सा तो गलत जरूर निकलेगा, अगर चारों सही निकल आए तो वही उत्तर हो जाएगा, तो ई का 44 चेक करता हूं, ई का 44 4 इधर तो नहीं है, अब आपको पता लगी दूसरी टेबल क्यों बनाता है, एक में ही क्यों नहीं बना दी, भाई देखो जब यहां 4 नहीं है तो पहले 4 देखना फिर ऊपर विचार, 44 पे ई बैठा पहले पे बिल्कुल सही है, 23 पर ए देखूं 2 एरा और 3 इधर, 23 पर टी आ गया, हो गया ना गलत, ठीक है तो ये ऑप्शन भी गलत, अब मुझे फिर ये चेक करना मील का, क्या ये सही है, एम का चेक करूं 22, आप कहो यहां तो 13 है तो एम के बहुत ढेर है इसमें, तो एम का 22 पे चेक करूं 2 और 2 22 पे बिल्कुल करेक्ट है,
64 पे ई है, 6 और 4, 64 पे तो यू है, गलत, तो ये ऑप्शन भी गलत। चलिए सी ऑप्शन पे आता हूं, फिर से देखूं, एम ई ए एल, तो एम 30 पर 3 और 0, एम तो हर बार ही सही बैठ जा। चलो 56 पे ई, 5 और 6, 56 पे बहुत बढ़िया बन गया, 21 पे ए, 2 और 1, अब तक बहुत बढ़िया चल रहा, बस यू और बैठ जा, काम हो जाएगा। 6 और 7 पे एल, 6 और 7 पे एल, परफेक्ट नागे जी गंगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट, ठीक है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये आपको लगा होगा बहुत आसान है, और है भी आसान। चलिए 23वां क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न आकृति है, किताब में से बस ये कॉपी पेस्ट की है मैंने, जब ये ऐसी धारी सी आ रही है, चलो ठीक है, तो क्योंकि बनाने में इतनी परफेक्टनेस नहीं आ पाएगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश से बना लूं। तो आप देखिए ये वाला चित्र आपको देखना है कि किस में आपको बिल्कुल हुपे हु ऐसा ही चमक रहा, तो आप बताएंगे कहाँ आपको ये नजर आता है, मुझे दिख रहा है और कहीं नजर नहीं आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, जरा चेक कर लेता हूं। तो बिल्कुल ऐसा त्रिभुज सा जो बनना है, ये वाला ये बन गया बिल्कुल। अब इसके नीचे लाइन होनी चाहिए, हैगी ये वाला, ठीक है, फिर यहां न्यू कु जा रहा, न्यू कु और ये आ रहा, बताओ जो जो मैं लाल लाल लाइन खींची है, बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है कि नहीं, ऐसा किसी और ऑप्शन में नहीं दिखा सकते आप। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। हालांकि प्रश्न में लिखा था कि इस उत्तर आकृतियों में कौन सी प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में से किस में बन जाएगी, किस में, ये आपको बताना था, पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चित्र देखते ही समझ में आ जाएगा, उसी को हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, कागज का मोड़ने काटने का, यहाँ पे एक कागज था गोल, ऊपर को तय मारी, फिर इधर को मारी, तो चौथाई कागज बना लिया, तो ऐसे तीन छेद किए हैं, तो पहले तय कौन सी खुलेगी, इधर की जो सबसे बाद में मुड़ी है, तो तीन छेद ऐसे किए हैं, तो तीन ऐसे के ऐसे इधर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं नीचे लेके आने लगूं, इन तीन छेदों को, जरा बताइए, ऊपर के तीन छेद बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे ये, और इधर के तीन छेद बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको लग रहा है 12 छेद बिल्कुल बराबर दूरी सी पर आ रहे हो, तो वही आपका उत्तर है, मेरे ख्याल से तो इसमें आ रहे हैं, इसमें इतने बढ़िया नहीं आ रहे। चलिए तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, तो जरा इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है और दर्पण यहां रखना है, अगर दर्पण नीचे रखना हो तो हमेशा जल प्रतिबिंब बनता है ऊपर या नीचे, लेकिन साइड में रखा हो दर्पण को दर्पण ही बनाए, तो आप बताओ इसमें आर कैसा चमकेगा, आर ऐसा चमकेगा, ई कैसा चमकता है दर्पण में, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, दाएं की चीजें बाएं, जैसे आपको बोलो एल, एल कैसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा, ठीक है, इधर इधर जो चीज है वो इधर हो जाएगी बस, ठीक है, और ए कैसा चमकेगा, ए तो पलट लो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, और डी कैसा चमकेगा, डी आपको सबको पता है ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो ना किसमें हो रहा है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर हुई ना सारी चीजें, बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपने 25 में से जरूर 24 23 22 जरूर करे होंगे, और ऐसा स्कोर आ रहा है तो आप धन्य है और धन्य हूं मैं भी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपका मैथ का टेस्ट मिलेगा देखने को आपको कल, चलिए ओके बाय बाय।